मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतुन उखरा। ये इस वक्त जो आप लोग तस्वीर बराह रास्त देख रहे हैं, ये तस्वीर उस लड़की की है, उन दो मासूम बच्चों की माँ की कब्र की देख रहे हैं, जहाँ इस वक्त उन्हें मिट्टी दी जा रही है। कल रात सड़क हादसे का शिकार हुई रेशमा को आज पोस्टमार्टम के बाद में उनके अहले खाना को सौंप दिया गया, वो बॉडी उनकी दे दी गई है उनके परिवार वालों को, और उसके बाद फिर ला करके सीधा हॉस्पिटल से घर भी नहीं लेकर के जाया गया, क्योंकि कंडीशन इस लायक नहीं थी, लिहाजा यहाँ पर लेकर के आए। और अब उनका ये आखिरी जो आरामगाह है वो आप लोग देख रहे हैं। रेशमा जो बीवी थी अमजद की, और जो एक 11-12 साल की बेटी की माँ, और तकरीबन 10 साल के आसपास उस बेटे की माँ, इस वक्त सुपुर्द खाक की जा रही हैं। ये तस्वीर बेहद दुखदायक है, रुलाने वाली है, कि अचानक अपने ससुराल से जा रही थी खाना खाने के बाद, और डिलाइट सिनेमा के पास जो कल हादसा हुआ, जिस तरह से आप लोगों ने कल सभी ने देखा कि कैसे वो गाड़ी उड़ाती गई, और नशे के वो धुत लड़के जो गाड़ी चला रहे थे वो इस परिवार को तितर बितर कर गए। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वो लोग जो लगातार अफवाह उड़ा रहे हैं रेशमा के बच्चों को लेकर के, फिलहाल बेटी 11 साल की वो अभी अस्पताल में ही है, लेकिन कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है, और दूसरी तरफ जो बेटा उनका वो थोड़ी सी माइल्ड भी इन्फेक्शन है, लेकिन घर पर भेज दिया गया है। इनके पति अमजद जिनका नाम है वो अभी अस्पताल में ही है, उनका इलाज चल रहा है, RML हॉस्पिटल में ही है। परिवार वाले आप तमाम लोगों से यही दुआ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इनकी मगफिरत के लिए और इनके साले सवाब के लिए दुआ करें, बिल्कुल भी वो अफवाह न उड़ाएं जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। और मुझे भी दिखाना इसलिए जरूरी हो गया कि लगातार मैं सुन रहा था दिल्ली NCR के लोग फोन कर रहे थे, देश के अलग अलग जगहों से फोन आ रहे थे, और लोग कह रहे थे कि कल जो हादसे का शिकार जो लड़की जो लेडी हुई है, उस महिला के बच्चे की उनमें से एक की डेथ का लोगों ने खबर चलाई, नहीं है ऐसा। दोनों बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं, उनके जो पति हैं वो खतरे से बाहर हैं, अमजद उनका नाम है। अभी परिवार के किसी सदस्य से आप लोगों की बात भी कराऊंगा ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए, लेकिन फिलहाल क्योंकि इस वक्त उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है, ये आप लोग जो तस्वीर देख रहे हैं मेहंदियान कब्रिस्तान की, ये इसी रेशमा की है जो कल हादसे का शिकार हुई। अच्छी भली घर से खाना खा करके अपने बच्चों के अपने शौहर के साथ जा रही थी, नहीं पता था कि पीछे से एक मौत की गाड़ी इस तरह से आएगी कि उड़ा करके उस रिक्शा वाले को, कि जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, उसकी रिक्शा तक के परखच्चे उड़े, रेशमा की मौके पर मौत हुई। और उसके बाद में ये जब मालूम हुआ कि जो शौहर उसके जो हस्बैंड है अमजद, उनको अस्पताल ले जाया गया, और साथ ही दोनों बच्चों को, बेटा और बेटी, जो वापिस अपने घर ये फ्लैट दरियागंज में जा रही थी, वहां से जाना ही नसीब नहीं हुआ। बेहद दुख की ये खबर थी। और क्योंकि मैं फिर आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ ये बात, कि लोग लगातार कह रहे थे, सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि इस केस की अपडेट क्या है। दूसरी तरफ आज क्योंकि मामला दर्ज कर लिया गया था, कल ही उन शराबी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनका मेडिकल जब हुआ तो शराब की पुष्टि हुई, और उस कार में, उस हुंडई वर्ना कार में जिसकी रात को आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखाई थी थाना दरियागंज के बाहर से, उन मुलजिमों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेशी के बाद में रिमांड पे भी लिया है। कुल मिलाकर अभी इस चीज का पता ही नहीं चल पा रहा पुलिस को भी कि आखिर गाड़ी है किसकी, किसी लोकेश नाम के बंदे की गाड़ी जो है, नाम उसमें आया, रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो लोकेश नाम के किसी शख्स का आया, पुलिस उसकी भी फिलहाल जांच कर रही है। जो जिला का स्पेशल स्टाफ है वो भी अभी मामले की जांच में लगाया गया है, और खुद DCP की मॉनिटरिंग इस केस को लेकर है, DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जसमीत सिंह इसको खुद देख रहे हैं, साथ ही जो एडिशनल DCP उनके अलावा जो दरियागंज के सब डिवीजन ACP हैं वो, और SHOs को लगाया गया है कि पूरी मॉनिटरिंग खुद करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा कल सामने देखने में आया, वो भी गुंजान घनी आबादी वाले पुरानी दिल्ली से सटे हुए सालसफ अली रोड पे,
जहां से डिलाइट के पास से गुजरते हुए ये हादसा पेश आया। फिलहाल अब रेशमा इस दुनिया में नहीं है, नाम के आगे अब मरहूम लगेगा, लेकिन उन दो मासूम बच्चों को जिस तरह से अब छोड़कर ये मां गई है, नहीं मालूम था कि अचानक इस तरह से एक वक्त आएगा कि वो बच्चे भी, उनकी भी हालत इस तरह होगी कि घर के जो सामान और बर्तन तक लेके जा रही थी सड़क पर बिखरे होंगे और इतनी बुरी हालत हो जाएगी, इतनी ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि बाकी जो अपने अजीज व अकारीब हैं, अपने अहल वयाल हैं, वो तक आखिरी दीदार नहीं कर पाएंगे, जनाजा घर तक नहीं जा पाएगा, ये नहीं सोचा होगा। चाहे वो इनके अपने मायके के लोग हों या अपने ससुराल वाले लोग हों, किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम आखिरी वक्त में शक्ल भी नहीं देख पाएंगे उस रेशमा की जो अपने बच्चों के साथ हस्ती खेलती कल खाना खाने के बाद घर जा रही थी। बेहद दुखद ये तस्वीरें हैं और जिस तरह ये हादसा पेश आया है उसने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में सवाल खड़ा किया है और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली की पुलिस से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी ये सवाल किया है। जहां लॉकडाउन हुआ और सबसे पहले शराब के ठेके खोले जाते हैं, उसका नतीजा कुछ इसी शक्ल में नजर आता है जैसा आप लोगों ने कल उन तस्वीरों को देखा। और दिखाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि इबरत हो और कोई रेशमा किसी शराबी गाड़ी चलाने वाले की उसके नशे का शिकार न बन सके, कोई और मासूम बच्चे, कोई मासूम बेटा और बेटी अपने माँ को या बाप को ना खो सके। मैं वही अपील करता हूँ कि इतनी शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ, चाहे कितनी ही ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम चलाई जाती है, पुलिस लगातार कोशिश करती है कि पकड़े, लेकिन तब भी जब तक शराब बिकती रहेगी तब तक इस तरीके के नतीजे सामने आते रहेंगे। मैं फिलहाल परिवार के लोगों से जरूर बात कराऊंगा ताकि आप लोगों को तसल्ली हो सके, और जो लोग सवाल कर रहे हैं, बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये दिखाने का और बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अब रेशमा के लिए और उस रिक्शा वाले के लिए भी कि जिसकी मौत हुई है, उसके भी मगफिरत की दुआ करें। उसके अलावा जो इनके पसमानदगान हैं उनके सब्र जमील के लिए आप लोग दुआ करें। आप कौन हैं रेशमा के? मैं भाई रेशमा बाजी का भाई हूँ, उनके चाचा का लड़का हूँ। और भाई मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि भाई जो भी ये सब अफवाह फैला रहे हैं कि भाई कि उनके हस्बैंड का इंतकाल भी, उनका बाद में इंतकाल हो गया है और जैसे कि उनके बच्चों का इंतकाल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ बहुत ठीक है। यहाँ तक कि बच्चों को भी क्या कहते हैं, एक बच्चे को छुट्टी दे दी गई है हॉस्पिटल से और अमजद भाई की थोड़ी सी हालत बहुत बेहतर है पहले से, और उनको भी इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। तो भाई रिक्वेस्ट है कोई भी अफवाह न फैलाएं, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसको ना दुआ करें, दुआ करें भाई मगफिरत के लिए। आपका नाम पूछ सकता हूं? मेरा नाम भाई परवेज है। परवेज, अभी फिलहाल अमजद की जो कंडीशन है वो किस तरह की, अगर लोगों को बताएं, क्योंकि कल हमें पता लगा था कि हादसे के बाद में जब ये पूरा परिवार जा रहा था तो उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था, तो कहां कहां चोट लगी है परवेज के, कहां चोट लगी है बेटी के? भाई 2-3 पसलियों के अंदर फ्रैक्चर है, ठीक है ना, वो इंशाल्लाह अभी एक्सरे के लिए लेके गए थे, कंडीशन बहुत बेहतर है पहले से, थोड़ा पैर में अंगूठे के अंदर थोड़ा सा वो है, चोट लगी है और पहले से बहुत अच्छी कंडीशन है, जैसे कल जिस तरीके कंडीशन में हालत थी उनकी, अब उनकी बहुत अच्छी हालत है पहले से, बेहतर है, ठीक है। और उनका जो बेटा जिसकी छुट्टी हुई है उसके कहाँ चोट है, और जो बेटी अभी अस्पताल में ही है उस बच्ची की कहाँ चोट है? बच्ची के सर सीने में थोड़ा इन्फेक्शन का जैसे एक धक्का सा लगता है, चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, उस तरीके की चोट है, और बच्चे के सर में चोट है, उसको फिलहाल छुट्टी दे दी गई है कल रात को ही इमरजेंसी आरएमएल से, लड़के को छुट्टी दे दी गई है। आपको क्या पता चल पाया पुलिस की तरफ से अब तक की, हुआ क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और आपका वरना गाड़ी थी हरियाणा 26 नंबर, वो सब दिखाया मैंने रात को, वो सब चीजें हैं। और उसके बाद में आज अभी यहाँ से तब्दीन के बाद में भी थाने जाके थोड़ी सी मालूमात करेंगे कि कैसे कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है पुलिस का ऐसा करके, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि पूरे कंडीशन अभी क्या है। लेकिन जो लोग जैसे मैंने आप भी बता रहे हैं, आपको भी आपके घर खानदान वालों को भी फोन आ रहे हैं बच्चों को लेकर के या इनके शोहर को लेकर जो अफवाह उड़ी थी उसको लेकर, अभी फिलहाल आपने जो बताया कि कंडीशन बहुत हद तक बेहतर है जी भाई, दुआ की जरूर अपील हम भी करना चाहेंगे और आप भी अगर करें भाई, सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अब देखो रेशमा बाजी के लिए भी दुआ करें और अमजद भाई के लिए भी दुआ करें, बच्चों के लिए भी दुआ करें, और जो भाई अफवाह फैला रहे हैं ना भाई, उनसे हाथ जोड़ के थोड़ी सी गुजारिश है कि भाई सब ना बोले। बिल्कुल, तो अब ये सुपुर्द खाक हो गई है रेशमा, वही रेशमा की जिसका कल हादसा हुआ और वो शिकार हुई उस हादसे की। मैं फिर आप लोगों से एक बात की दरखास्त करना चाहूंगा कि बगैर किसी
बात को बगैर किसी खबर को जांचे परखे बिना उसकी तस्दीक किए जिस तरह से हम लोग समाज में रहते हुए बस सिर्फ ये सोचते हैं, कोई पैसा नहीं लगता एक खबर को आगे बढ़ाने में, कुछ नहीं जाता कि हम दूसरे को और एक से कई लोगों को खबर भेज देते हैं आगे, नहीं ऐसा करना चाहिए जब तक उसकी तस्दीक ना हो, जब तक उसको वेरीफाई ना कर लें। फिलहाल इनके शौहर अभी आईसीयू में है, कंडीशन कुछ हद तक स्टेबल है, बेटा जो है उसकी छुट्टी हो गई है, बेटी जो है जो माँ के साथ में ही थी, बच्चे भी दोनों वहीं थे उसी वक्त में, वो अभी अस्पताल में ही है। मेरी आप तमाम लोगों से यही वालेहाना गुजारिश है, जो लोग हिंदुस्तान लाइव से अभी अभी जुड़े हैं, ये हादसे की अपडेट जो लोग मांगना चाह रहे थे उनको यही बताना चाहता हूँ कि उन मुलजिमों को पुलिस ने आज कोर्ट में भी पेश किया है और जिसके बाद फिर रिमांड बताई जा रही है। गाड़ी कहाँ से आई थी, किसकी गाड़ी थी, क्या वो चोरी की थी और बहुत सारे सवाल आते, ऐसा कितना नशा किया हुआ था कि वो अंधे हो गए थे और गाड़ी इस रफ्तार से उन्होंने दौड़ाई कि वो बेकाबू हो गई, नतीजे में रेशमा की मौत हो गई और एक वो रिक्शा वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया। आप लोगों से फिर से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इनके लिए दुआ कीजिए, इसाले सवाब के लिए और इनकी मगफिरत के लिए, इनके पसमानदगान के सब्र के लिए आप लोग दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास में अगर कोई भी शराबी आपको नजर आए उसकी निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस वक्त मेहंदियान कब्रिस्तान से जुड़े, हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए, फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर नाउ।